क्या है आनंद फिल्म के अनसुने फैक्ट्स, कौन था डायरेक्टर की पसंद, कब होगी फिल्म पूरी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीगर्ड स्टूडियोज में। आनंद फिल्म साल 1971 की ड्रामा फिल्म थी, जिसे गुलजार साहब ने लिखा था और ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, सुमिता सान्याल, रमेश देव और सीमा देव सहित एक्ट्रेस के साथ साथ राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में हमें दिखाई। आनंद ने 1972 में बेस्ट फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। 2013 में फिल्म को अनुपमा चोपड़ा की बुक 100 फिल्म्स टू सी बिफोर यू डाई में लिस्टेड किया गया था। आपको बता दें कि 1969 और 1971 के बीच राजेश खन्ना को लगातार 17 बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल फिल्म्स में गिना जाता है, जिसमें मल्टी स्टारर मर्यादा और अंदाज भी शामिल था। इस वीडियो में हम को जानेंगे अननोन फैक्ट्स आनंद फिल्म के बारे में। आपको बता दें कि आनंद के लिए किशोर कुमार पहली पसंद थे, लेकिन जब ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म पर चर्चा करने के लिए उनके घर गए तो उन्होंने एक गलतफहमी के कारण चौकीदार ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और किशोर कुमार ने यह भूमिका खो दी। बच्चन साहब और राजेश खन्ना की इस फिल्म को इतना पसंद किया गया था कि इसे कई बार कॉपी किया गया, इससे कई बार इंस्पिरेशन ली गई। करण जौहर की कल हो ना हो भी ऐसी ही एक फिल्म है जो आनंद से मिलती जुलती है। आपको बता दें कि सदाबहार कवि गुलजार साहब ने मुखर्जी को फिल्म के डायलॉग्स के लिखने में मदद की और फिल्म के सॉन्ग्स पर भी काम किया। दोस्तों, ये आनंद के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में से एक है। फिल्म की पूरी कहानी ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर की दोस्ती से इंस्पायर्ड थी। ये बात तब पता चली जब लोगों को पता चला कि राज कपूर एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और सभी ने सोचा कि वो जल्द ही मर जाएंगे। डायरेक्टर मुखर्जी को लता मंगेशकर की आवाज और उनके गाने इतने पसंद थे कि उन्होंने सुनिश्चित किया था कि फिल्म में उनके द्वारा गाया गया एक गाना तो होगा ही। उन्होंने संगीतकार से एक विशेष गीत बनाया जो लता जी की आवाज के एकदम सही हो। दोस्तों, डायरेक्टर भी नहीं चाहते थे कि लोग सस्पेंस में रहे, इसलिए उन्होंने गुलजार साहब को फिल्म के शुरुआत में ही ऐसा बनाने के लिए कहा कि दर्शकों को शुरुआत में ही पता चल जाए कि उनका हीरो मर रहा है। तो ये थे आनंद फिल्म के कुछ फैक्ट्स। अब आपको बता दें कि जल्द ही आनंद का पार्ट 2 बनने जा रहा है, जिसके लिए फिल्म की कास्टिंग भी पूरी हो चुकी है और फिल्म में आनंद का किरदार निभाने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को फाइनल किया गया है। दोस्तों, अब कौन होगा दूसरा एक्टर इस फिल्म में, इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन कई नाम आगे आ रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आनंद का रीमेक वाकई में एक अच्छी फिल्म साबित होगी या नहीं। तब तक के लिए आप करिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।